स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना सीखेंगे कि संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से जो है इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप इजी वे से जो है बिल्कुल कम समय में संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक या जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पहला वाला यहाँ पर सोल्व करेंगे। चार हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे हैं, चारों जो है आपको सोल्व करके बताएंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 10 और 15। 10 और 15 का जो है एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं अगर उसमें भाग जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, नहीं जा रहा है तो उसको ऐसा कैसे ही देख देंगे। जैसे सबसे पहले हम 2 का अगर भाग देते हैं तो 2 का भाग 10 में जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा है, तो 10 में 2 का भाग देके हमने 5 लिख लिया लेकिन 15 को हमने ऐसा का ऐसा ही रखा। बस आपको भी यही प्रोसेस ध्यान में रखना है। अब 5 और 15 में जो है 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 5 में तो नहीं जा रहा लेकिन 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो 5 तो ऐसा कैसे रहेगा और 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है 5 बार में, तो 5 आ गया। वापस हमें इसको 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1, यानी कि आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक यहाँ पर आपको 1 या 1 नहीं मिल जाए। यानी कि पहले बाह्य संख्याओं का भाग देना, पहले 2 का दोगे, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो जब तक जिस संख्या में 2 का भाग दे रहा है उसमें हमने 2 का भाग दे दिया, जिसमें नहीं जा रहा है उसको हमने ऐसा कैसे रख दिया। तो इसी प्रकार आपको लास्ट में जो है 1-1 लाना है। जैसे 10 में 2 का भाग जा रहा था 10 में दे दिया लेकिन 15 में नहीं जा रहा, तो 15 को ऐसे कैसे रखा। अब इन जो गुणनखंड आए हैं 3, इन तीनों का जो गुणा होता है वही हमारे पास होता है एलसीएम। यानी 5 को 3 से गुणा किया 15, और 15 को 2 से गुणा किया यानी कि 30, यानी 10 और 15 का जो है एलसीएम हमारे पास आ गया 30। अब इसी प्रकार हम 14 और 28 को जो सॉल्व करेंगे, इसमें 2 का भाग दिया हमने पहले, 14 के आधे हो गए 7, 28 के आधे 14, वापस इसमें 2 का भाग दिया, 7 में नहीं जा रहा तो 7 ऐसा कैसे, 14 में गया तो कितना गया 7, और फिर इसमें 7 का भाग दिया तो 1 और 1। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 7 से गुणा किया 7 चौक 28, तो इसमें एलसीएम आ गया हमारे पास 28। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें 12, 18 और 27 का, वैसे एलसीएम निकालने का एक तरीका और भी हम आपको बताएंगे। पहले हमें जो है बेसिकली इस रूप से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 6, 9, 27, फिर वापस 2 का भाग देंगे 3, 9, 27, वापस हम इसमें 3 का भाग देंगे 1, 3, 9, वापस 3 का भाग देंगे 1, 1, 3, वापस 3 का भाग देंगे 1, 1, 1, तो इस प्रकार से जो है ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। जब तक 3 का भाग जा रहा था 3 का भाग दिया, 2 का जा रहा था 2 का दिया, अब इस लाइन में जैसे 2 का नहीं जा रहा 3 का जा रहा था 3 का दिया। अब इन सभी का जो है हम गुणा कर लेंगे, तो 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से 12, 12 का 3 से 36, 36 का जो 3 से हम गुणा कर लेंगे, 36 × 3 = 8 और 108, तो 108 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर वापस आगे संख्या है 48, 56, 72, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं तो छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस 48 में 2 का भाग दिया 24, 56 में 2 का भाग दिया 28, 72 में 2 का भाग दिया 36, वापस 2 का भाग देंगे 12, 14, 18, वापस 2 का भाग जा रहा है 6, 7, 9, अब 2 का भाग वापस जा रहा है 3, 7, 9, अब वापस 3 का भाग देंगे 1, 7, 3, वापस 3 का भाग देंगे 1, 7, 1, वापस 7 का भाग देंगे 1, 1, 1, तो इस बार चाहे इतने सारे जो है इसके गुणनखंड हो गए। अब इन सभी का गुणा कर लेना है हमको, तो गुणा करेंगे तो पहले 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 तो ये हो गए, 3 का 3 से 9 और 9 को 7 से गुणा करेंगे 9, 7, 63, फिर उसके बाद 63 और 16 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 63 और 16 का जब हम गुणा करेंगे 6, 8, 9, यानी कि 8, 0, 1, 10,
1008 जो है ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, 1008 यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा भी जो है एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, जो भी हम इसी वीडियो में आपको जो बता देते हैं, क्योंकि ये एलसीएम निकालने का एक जनरली बेसिक सा फॉर्मूला और मेथड है। उसके अलावा भी एक तरीका और है, जैसे कि हम 10 और 15 का निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम 10 का अगर टेबल लिखें तो 10 20 30 ऐसे लिख सकते हैं, और 15 का लिखेंगे तो 15 30 45 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले मिल रही है, वही एलसीएम होता है। तो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले 30 मिल रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 30, और हमारे पास आंसर भी 30 ही आ रहा है। तो आप अगर आपको एलसीएम निकालना है, केवल एलसीएम से अगर चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है इस टेबल की वजह से भी आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं या सोच सकते हैं मन में कि 10 और 15 के पहाड़े में कौन सी संख्या सबसे पहले आकर मिल रही है। तो 30 सबसे पहले मिल रहा है, तो यानी कि 30 ही इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों ये थे दो बेस्ट तरीके एलसीएम निकालने के, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।